नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। और हम लोगों ने क्लास टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक कंसेप्ट थे वो सभी हम लोगों ने पढ़ लिए थे, और उस पर बेस्ड जो अप्लाइड क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.1 में, आज हम लोग उनको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना बता दी जाए कि जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, गोसाईगंज अयोध्या में हमारी कोचिंग चलती है निखिल कोचिंग क्लासेस नाम से। और इस प्लेटफॉर्म का एकमात्र उद्देश्य ये है निःशुल्क शिक्षा देना। कोई भी बच्चा पैसे की वजह से ऐसा ना रह पाए कि वो पढ़ ना पाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें और उनको बताएँ कि इस प्लेटफॉर्म का महत्व क्या है। चलिए आज बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये, तो देखिए दिया गया है यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a बराबर क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले बताए थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरी हमारी निकलती है राइट एंगल ट्राइंगल से। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए बी सी। तो अब देखो cos थीटा बराबर हमने बताया था कि जो भुजाओं के पदों में अनुपात होता है, तो cos a बराबर क्या होगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब हम लोग थीटा ये लेंगे, मान लो cos a की बात की जा रही, जब एंगल हम लोग ये लेंगे a, तो इसी के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर या लंब, ठीक। और जो 90 डिग्री का कोण होगा उसी के जस्ट सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण, हाइपोटेनस। और जो बची भुजा है वो हमारा क्या होगा, ये होगा आधार यानी कि बेस। तो अब देखो इसके बाद cos a बराबर होता, हमने आपको बताया भी था, याद करने का तरीका लाल बट्टे कक्का। अब ये जो होता था हमारा क्या होता था, साइन cos और tan। तो देखो cos कहाँ पर आ रहा है, बीच में आ रहा, तो आधार बट्टे कर्ण, यानी कि जो cos a बराबर होगा जब हमने एंगल ये लिया तो आधार ये होगा, लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। अब इसके बाद देखो cos a बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारा है BA, और ये हमको कितना दिया गया है, BA बराबर, ये लिख लो ऐसे, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है ना। अब देखो आधार हमारा कितना है, 5 यूनिट, और कर्ण कितना है, 13 यूनिट। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग पता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसी में हम लोग मान रखेंगे, तो देखो कर्ण का स्क्वायर कितना दिया गया है, कर्ण कितना है 13, तो इसका स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना, 169, और ये कितना 5 का स्क्वायर 25 प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 169 ये जो नंबर है इनको एक तरफ कर लो, 169 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अब यहाँ 169 से 25 जाएगा कितना बचेगा, 144 बराबर लंब का स्क्वायर। अब यहीं से देखो अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो यहाँ लंब बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144। अब 144 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो है भाई हमारा 12 का स्क्वायर। तो जो लंब होगा वो हमारा कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ जो लंब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12। अब हमें वैल्यू
किसकी बतानी है, टेन ए की। तो अब देखो यहां पर चाहे जिसका मान पूछा जाए हमसे, सिक्स रेशियो हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन, छह फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं। अब देखो तीनों भुजाएं हमको पता चल गई, तो इसमें चाहे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पूछा जाए उसका हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब देखो टेन ए बराबर क्या होता है, तो टेन ए बराबर जो हमारा होगा यहाँ से क्या होगा, टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो जो हमारा आंसर होगा टेन ए बराबर क्या होगा, वो होगा 12/5। आप लोगों के लिए घर के लिए क्वेश्चन है, इनके जो सभी बाकी रेशियो बचे फंक्शन बचे वो कौन कौन से, कॉस ए हो गए मालूम है आपको, टेन ए, बाकी जो चार फंक्शन बचे वो कौन कौन से, साइन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए के मान आपको निकालने हैं। अब आपको पता ही है कि साइन कॉस टेन ये यहाँ होगा, जब इधर से नीचे से लिख लो कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक का मान कितना हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक का मान कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कॉट का मान कितना हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ से आपको निकालने हैं बाकी सभी, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त करनी है। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, कॉस थीटा पर ही बेस है। तो कॉस ए बराबर कितना दिया गया है, कॉस ए बराबर दिया गया है, अभी कॉस का मान क्या हो बताया हमने, कॉस थीटा का, कॉस ए का जो मान होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है ए और कर्ण कितना है बी। अब यहाँ से परपेंडिकुलर आपको निकालना है लंब, तो लंब यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, लंब जो हमारा होगा वो उसी पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है बोलो भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होती है। अब देखो इसमें कर्ण कितना है हमारा b, तो यानी कि b का स्क्वायर बराबर यहाँ आधार कितना है a है आपका, तो a का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लंब बराबर निकालेंगे, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तब यहां पर इधर लग जाएगा आपका अंडर रूट, ठीक है ना, यहां क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो जो लंब बराबर आया वो क्या आया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझ गए ना। अब देखो यहां से टेन ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो मान लो एंगल अगर हमने ये लिया टेन ए, तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर फिर से, तो टेन ए बराबर जो हमारा हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के में, और ये ए अपान ए आधार कितना है ए, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, टेन ए बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए। तो इस तरीके से आप लोग आगे क्वेश्चन लगा सकते हो कि नहीं, जो एक्सरसाइज में तीसरा क्वेश्चन इसका छूटा है वो आप लोग लगाओगे, ठीक ना। अब देखो जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है वो है हमारा कॉस ए बराबर 3/5 और हमें बताना है साइन स्क्वायर ए का मान, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर ए का मान हमें बताना है, तो देखो क्या हो जाएगा भाई, फिर से वही काम भाई, ट्रेंगल बनाओ, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां से भाई क्या आ जाएगा, लंब बराबर परपेंडिकुलर, यानी कि यहां से लंब की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ना। अब यहां से देखो भाई कर्ण कितना, 5/25 बराबर 3/9 बराबर प्लस
लंब का स्क्वायर। अब देखो यहां से 25 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अब आपका यहां से 25 से 9 जाएगा कितना बचेगा, 16 बराबर लंब का स्क्वायर। अब यहां से अंडर इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, यानी कि कितना आ जाएगा, लंब बराबर कितना आ जाएगा आपका 4, यानी कि लंब कितना आ गया 4। अब यहां से आपको इतना मान मिल गया यानी कि लंब कितना आ गया 4। अब आपको बताना क्या है, साइन स्क्वायर है तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर जो हमारा होता है साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा लंब बटे कर्ण। अब भाई लंब कितना है आपका, स्क्वायर इसका बताना है तो क्या करेंगे, जो वैल्यू होगी उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये 4/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो 16/25। जो साइन स्क्वायर ए का मान होगा वो कितना होगा, 16/25। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो अब देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है वो है कॉस ए बराबर दिया गया है 15/17, यानी कि फिर से वही एक ट्रायंगल बनाइए आप लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो कॉस ए, यहाँ ए ले लो तो ये कॉस ए का मान कितना होता है, आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो किसकी, लंब की, तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर्ण का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से भाई निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 बराबर 225 15 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो इसके बाद 289 ये इधर आ जाएगा माइनस 225 और ये लंब का स्क्वायर। अब 289 से 225 जाएगा बचेगा 64, अब ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से लंब बराबर क्या बचेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा तो लंब बराबर कितना आएगा, 8 आ गया। अब देखो ये आपका आपका मान कितना आ गया, 8। अब आपसे पूछा क्या जा रहा, टैन ए प्लस कॉट ए। अब देखो टैन ए क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि 8/15 प्लस कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट टैन का उल्टा होता है तो 15/8 ये हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ कॉमन नहीं है डिनोमिनेटर्स में हरों में, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 64 + 225 बटे और इन दोनों का मल्टीप्लाई 120, तो कितना आ जाएगा 64 और 225 ये हो जाएगा 289 और बटे 120, तो ये हमारा मान हो जाएगा, समझ गए ना, 289/120। अब चलिए देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और भी आप लोगों से बार बार यही एक गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वो देखिए क्या है, एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो क्या है, जिसका कोण बी है वो क्या है, बी है जो है वो समकोण है, और कहा क्या गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बताना है निम्नलिखित के मान बताने हैं आपको, पहला है साइन ए कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉस
सी। तो अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें करना क्या है हमको, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। अब इसमें जो एंगल बी है वो क्या है, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ए बी सी है तो मान लो इसको हमने ए मान लिया, ये मान लिया सी, ठीक ना। अब देखो कहा गया है ए बी आपका कितना है, वो है 24 सेंटीमीटर, बी सी आपका कितना है, वो है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कर्ण आपको निकालना है। तो अब देखो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। यहाँ से कितना, 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से जो इन दोनों का योग हो जाएगा वो हो जाएगा 625। अब 625 यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 625। अब कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 625। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 25। यानी कि जो कर्ण की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 25। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉस ए कॉस साइन ए कॉस ए का मान बताना है। तो अब देखो इसमें जो है हम जब एंगल ए लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। अब देखो आधार जो है हमारा ये हो गया, तो कर्ण हो गया। अब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, मतलब 7/25। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, वो बताना है कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर यानी कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 24/25। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में जो हमें मान बताने हैं वो किसके बताने हैं, साइन सी। अब एंगल आप कौन सा लोगे, ये, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक ना। अब इसके बाद देखो बताना है साइन सी, जब साइन सी यानी कि लंब बटे कर्ण होता है ना, तो साइन सी का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 24/25। और इसी में दूसरा मान जो बताना है वो बताना है कॉस सी का, और कॉस सी क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो यानी कि 7/25। तो इतने इसके मान हो जाएंगे, समझ गए ना। तो सब इस टॉपिक में करना कुछ नहीं है, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी साइड निकाल लेना है, बस उसी में जो रेशियो बता दिए जाए आपको वही लिख लेना है बस। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा वो है आकृति में टैन पी और माइनस कॉट आर का मान है हमारा ज्ञात करो, का मान ज्ञात करना है। अब देखो इसमें दिया हमें क्या गया है कि ये फिगर है हमारा, एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, आर ये है, और ये जो दिया गया है परपेंडिकुलर, ये जो है लंब हमारा कितना है, जब एंगल आर लिया जाएगा तो लंब क्या होगा, ये पी क्यू, और जब एंगल पी लिया जाएगा तो लंब हमारा क्या होगा, क्यू आर। तो अब देखो इसमें मान, पहले तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें आधार निकालना है इस तीसरी भुजा का। तो कर्ण का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ 13 का स्क्वायर 169 बराबर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी कि ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5। अब इसके बाद देखो भाई दिया गया है टैन पी, जब हमने टैन पी यानी कि एंगल कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। अब टैन पी बराबर क्या हो जाएगा, टैन पी जब एंगल ये लोगे तो ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार,
लंब हमें जो कर्ण होता है वो हमेशा फिक्स होता है। अब देखो जो टैन पी टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यानी कि टैन पी माइनस कॉट आर, इसका जो मान होगा, अब देखो टैन पी बराबर माइनस कॉट आर लिया गया, तो टैन पी क्या होगा, यानी कि लंब बटे आधार, लंब क्या होगा हमारा 5, आधार क्या है 12, माइनस कॉट आर, कॉट क्या है हमारा इसी का उल्टा होता है, यानी कि आर जब लोगे तो एंगल क्या हो जाएगा ये, अब इसके सामने की भुजा ये क्या होगी लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, तो अब का आर जब लोगे तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो यानी कि 5 बटे ये कितना आ जाएगा 12। अब देखो यहां से दोनों का मान कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा, 4 नंबर का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0, समझ गए ना, ये आएगा आंसर 0। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, आगे जो हमारा है पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है यदि साइन ए बराबर, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए तथा टैन ए क्या का मान बताना है, तो कॉस ए तथा टैन ए का मान बताना है। अब देखो कॉस ए टैन ए यानी कि साइन, यदि दिया गया है ये साइन ए बराबर 3/4, तो फिर से यही साइन ए बराबर दिया गया है 3/4, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी कि ये जो है हमारा 3 है और ये क्या है 4। अब हमें मान किसका निकालना है आधार का, तो आधार का मान देखो कितना आ जाएगा भाई 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस, अब ये कितना हो जाएगा भाई, मान लो आधार इसको हमने मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, अब यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर, अब देखो 7 आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 16 से 9 जाएगा 7, अब ये आ जाएगा आधार का स्क्वायर, अब यहां से आधार बराबर कितना आ जाएगा, आधार बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट 7, तो यानी कि ये कितना आ गया हमारा अंडर रूट 7। अब इसके बाद देखो पूछा क्या जा रहा है, कॉस ए हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस ए बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार कितना है अंडर रूट 7 और ये कर्ण कितना है 4। अब टैन ए हमसे पूछा जा रहा है, तो टैन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि 3 अंडर रूट 7, ये इतना मान हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था पांचवा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद इसके के आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ें और चैनल के बारे में बताएं, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल।